तो आज इंडिया फिनिशिंग मारने वाला है, लेकिन वो तो फिनिशिंग मारेगा कि क्या होगा तो बाद में पता चले। तो हाँ, उसी का हम लोग जानने के लिए अभी आ गए हैं स्टेडियम के अंदर। तो देख सकते हो हमारे पीछे तरफ ऑडियंस पूरा खचा खच भरा हुआ है। आज का कलर है ठीक है, कौन जीतेगा उसको जानने के लिए बने रहिए। एंड हम लोग भी नहीं पता, ओके। एंड अभी जस्ट मैच स्टार्ट ही होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया एंड ऑडियंस भी बहुत जोश में है लग रहे हैं। पिक्चर तो अभी बाकी है, तो अभी तक सेकंड क्वार्टर जारी है एंड इंडिया तलाश में है और एक गोल का, लेकिन हो नहीं पा रहा है गैस। हम लोग का भी इंतजार है कब और एक गोल होगा। ऑस्ट्रेलिया भी तगड़ा खेल रहा है ना, वो स्क्रीन गया। और गैलरी क्या, गैलरी में देख सकते हैं इतने सारे ऑडियंस। सोलो का भी इंतजार है कब और एक गोल होगा। ऑस्ट्रेलिया टीम लेके पूरा गोल पोस्ट का बार में लगा और गोल नहीं हो पाया, मतलब लक साथ दे रहे आज इंडिया का। मिला है, गोलों का झंडा उड़ाना।
हम लोग मुझे लग रहा है हम लोग राइट हैंड से हैंड शेक किए इसलिए नहीं हो पाया, लेफ्ट हैंड से करेंगे तो अभी जरूर सोच रहे हैं और उस हिसाब से खेल रहे हैं इंडिया दूसरा गोल मारने के लिए, लेकिन हमें तो बस इंतजार है कब इंडिया दो गोल मारेगा तो दोनों टीम पूरा गर्मा गर्मी खेल रहे हैं, तो हम लोग का भी देख सकते हो कितना हम लोग का पसंद है। आज का मैच बहुत इंटेंस है, इसी तरह भी ऑडियंस देख सकते हो कितना खुश में है क्योंकि इंडिया एक गोल मार चुका है, बस दूसरा गोल का। तो अभी थर्ड क्वार्टर स्टार्ट हो गया एंड ऑडियंस बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, सादरी गाना, हिंदी गाना, ओडिया गाना, जो जिसको जो पसंद आता है वही में सबको झूमे, लेकिन हम लोग सब गाना में नाचे तो देख सकते हो। अभी ऐसे ही थर्ड क्वार्टर स्टार्ट हो गया है, लेकिन इंडिया का स्कोर है 1-9, ऑस्ट्रेलिया का 0, तो इंडिया एक गोल से लीड कर रहे हैं। तो अभी और मैच का आज का मैच का बस 11 मिनट बचा है, 11 मिनट में देख रहे हो और अभी इंडिया लीड कर रहा है 2-1 से।
एंड ऑडियंस बहुत ज़्यादा खुश हैं और उधर बहुत ज़्यादा शोर भी कर रहे हैं, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया तो जीतेगा, कब जीतेगा। सो फिर से दो दो में ड्रॉ हो रहा है, अभी तक ड्रॉ में चल रहे हैं। आखिरी का कुछ ही मिनट बचा है गाइस, आखिरी का 8 मिनट बचा है, आज का लास्ट मैच और ये लोग का भी लास्ट गोल, जो मारेगा वो जीतेगा जैसे लग रहा है। आज देख सकते हो आगे तरफ स्कोरबोर्ड 2-2 में है। अच्छा और गाड़ी जाए कि मारे कर दे गैस, तो आज का मैच ड्रॉ हो गया। तो इसी के साथ आज का मैच ख़त्म होता है एंड बात आज इतना खुश नहीं लग रहे हैं ऑडियंस, दुख में है सब पे। तो आज का मैच ड्रॉ हो गया, तो अभी होगा शूट आउट दोनों टीम के बीच में, 5-5 शूट आउट मिलेगा, तो देखते हैं आज कौन जीता है। एंड इधर बहुत चेयर अप कर रहे हैं इंडिया को, इंडिया मौका मिला है। हाँ यार इजीली कर रहे हैं ये, और एक एक दोनों को मारना है, एक बचाना है। गैस अगर इसको मार देता है तो ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा अभी। अरे भाई ये यहाँ पर जितना भी मैच हुआ इंडिया के साथ सब में इंडिया जीता, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये लाल किला का हम लोग का बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम इंडिया टीम के लिए लकी है। तो ठीक है गाइस, आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करते हैं एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे एंड गुड नाइट, बाय 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 बाय। Oh!
तो गाइस इसी तरह आज का मैच खत्म हो गया एंड प्रो लीग भी खत्म हो गया और चिल्ला चिल्ला के हम लोग खिलाते खुंदाते गरमाए के लिए इसे गरमा गए हैं, पूरा गला बैठ गया एंड बहुत मजा आया। कब बैठ गया, कब खड़ा होगा पता नहीं। तो आज दूसरा मैच के लिए तैयारी करेंगे, यहाँ तो मैच नहीं पर पता नहीं क्या गला होना, ठीक जब भी होगा फिर से आएंगे। हां बहुत ज्यादा पकड़ पकड़ के आना होगा। हां लेकिन बहुत अच्छा लगा आज का मैच एंड यहाँ पर जितना भी मैच हुआ इंडिया के साथ सब ने इंडिया जीता। हाँ, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये रौरकेला का हम लोग का बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम इंडिया टीम के लिए एक लकी है, लकी है। तो ठीक है गाइस आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे एंड गुड नाइट।